जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि कभी ना कभी तो आप इंटरनेट से कोई फाइल या मूवी या कोई ऐप डाउनलोड करते और उससे थ्रू कोई वायरस आपके लैपटॉप में आ जाता है और आप उसको डिलीट नहीं मार पाते और उसको सर्च नहीं मार पाते, लेकिन आपके दोस्त आपके पास कोई वायरस स्कैनर हो वो कभी कभी उस फाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता जिसमें वो वायरस हो। तो मैं आज ऐसी एक वेबसाइट बताने वाला जिसमें आप उस वायरस को डिटेक्ट कर सकते और उसको डिलीट मार सकते अपने लैपटॉप से, क्योंकि दोस्तों आपका लैपटॉप कभी कभी हैंग होता है इसलिए आपको बहुत तकलीफ आती है। तो आज मैं ऐसी ट्रिक वेबसाइट बताने वाला जिसके कारण आप कोई भी वायरस को डिलीट मार सकते अपने लैपटॉप से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लैपटॉप स्क्रीन में। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप में वायरस कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, उसको डिलीट मार कर सकते। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले क्रोम में जाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों क्रोम में आके आपको सर्च मार रहे हैं वायरस वायरस फ्री करना दोस्तों। सर्च हो रहा है दोस्तों। सर्च होने के बाद दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन सॉरी दोस्तों आपको वायरस फ्री नहीं वायरस टोटल करके सर्च मारना है। टोटल सर्च मार लेंगे जो दोस्तों आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। ये स्कैन हो रहा है दोस्तों, सर्च मार रहा है दोस्तों। यहाँ तीन प्रकार के आ रहे हैं कि फाइल, यूआरएल और सर्च। मतलब आपको फाइल में जाना जो कंप्यूटर में है उसको स्कैन कीजिए, यूआरएल मतलब जो आप सर्च मार रहे हैं उसके लिए, और मतलब जो वेबसाइट है और आप खुद से सर्च मार के स्कैन स्कैन करना चाहते हो उसके लिए। तो मुझे फाइल करना है तो चूज फाइल में क्लिक करूंगा दोस्तों। चूज फाइल में क्लिक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ कौन सा आपको लग रहा है कि वायरस है उसको एक फाइल को स्कैन करना। मैं ये बैच सेटअप में इसको क्लिक करूंगा, मुझे इसमें लग रहा है कि वायरस है दोस्तों, इसे ओपन करूंगा सिलेक्ट करने के बाद। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, स्कैनिंग हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये फास्ट हो रहा है। आप भी ऐसे स्कैन कर सकते हैं और अपने लैपटॉप को सेव कर सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि ये अपना शो किया दोस्तों। यहाँ कोई भी वायरस नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नो इंगेज डिटेक्ट दिस फाइल, तो यहाँ वायरस नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सारी फाइल वायरस है ही नहीं दोस्तों इसमें। ऐसे आप अपने फाइल को स्कैन कर सकते हैं और अपने पता कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में वायरस है ही नहीं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक और फाइल डिटेक्ट करके दिखाता हूँ जिसमें वायरस है ही नहीं। मुझे लग रहा कंफर्म कि उसमें वायरस है। चूज फाइल, मुझे ये रिकॉर्डर है दोस्तों, उसमें लग रहा है कि वायरस है। मैं इसको स्कैन करके देखता हूँ। ओपन कीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि इसमें वायरस है, वन डिटेक्ट हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब कि एक वायरस आपका स्कैन हुआ है इसमें, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ लिख के आ रहा है कि एक वायरस आपका डिटेक्ट हुआ। तो ऐसे अपने लैपटॉप में आप सर्च मार सकते हो, पता लगा सकते हैं कि वायरस है या नहीं दोस्तों अपने लैपटॉप में, और उस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं जिसके कारण आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है दोस्तों। ऐसे और वेबसाइट के बारे में और लैपटॉप के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे फाइल को स्कैन किया और उसका वायरस डिटेक्ट किया और डिलीट मारा। मेरे फाइल में कोई वायरस नहीं मिला, लेकिन आप ऐसी फाइल को स्कैन कीजिए और देखिए कि आपका वायरस है या नहीं उस फाइल में। हुआ तो आप उसको डिलीट मार दिए और अपने लैपटॉप को सेव कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।